नमस्कार। पिछले टाइम पर हम आपको पिछले वीडियो में बता रहे थे, उसके आगे हम उसी श्रृंखला में चल रहे हैं। हम आपको बता रहे थे सम विभव कष्ट बताया और एक आपको बताया विभव प्रवणता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन। वो रिलेशन आपने देखा E = -VV / VR, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एक विभव प्रवणता का रिलेशन था। विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव घटता जाता है, इसलिए ऋणात्मक है। अब मैं आपको इसी प्रकार से इसमें नोट बताता हूं, विभव प्रवणता में विशेष नोट विशेष बताता हूं। विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के कार्तकीय अवयवों को विद्युत क्षेत्र के कार्तकीय अवयवों को विभव प्रवणता के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। हम देखो विद्युत क्षेत्र के कार्तकीय अवयव है, अवयव एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में विभव प्रवणता के रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। किसको? विद्युत क्षेत्र के कार्तकीय अवयवों को। जैसे विद्युत क्षेत्र है ई, ई वेक्टर। कार्तकीय अवयव कौन से? कार्तकीय अवयव क्या निर्देशांक अक्ष, एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। इसी प्रकार हम विद्युत क्षेत्र ई के कार्तीय अवयव क्या? ई एक्स है, आई कै, ई वाई, जे कै, ई जेड, के कै। ये वेक्टर ई के ई एक्स, ई वाई, ई जेड विद्युत क्षेत्र के कार्तीय अवयव घटक है। ई के घटक कौन कौन से? ई एक्स, ई वाई, ई जेड। कार्तीय यानी एक्स अक्ष में, वाई अक्ष में, जेड अक्ष में। तो वेक्टर ई के घटक ये कार्तीय अवयव। अब इनको हम विभव प्रवणता के रूप में कैसे लिखेंगे? आपको मालूम है क्योंकि E = -dv / dr। अगर हम एक्स अक्ष में देखते हैं तो ई एक्स होगा -dv / dx, ई वाई -dv / dy, ई जेड -dv / dz। आपको मालूम है तो ये एक्स अक्ष में ये हो जाएगा dv / dx/dy, ये मान लेते हैं। तो ई वेक्टर -dv / dx हो जाएगा यहाँ पर dv / dy / dz - dv / dz। अब हम ई वेक्टर = अब आपने इसमें माइनस बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया? dv / dx / dy - dv / dy / dz. आप विद्युत क्षेत्र के कार्तकीय अवयवों के रूप में इस विभव प्रवणता को निम्न प्रकार इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आपका ई वेक्टर इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र को विभव प्रवणता के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। अभी आपको धातु की दो प्लेट है, जोड़ करके बात बताता हूं। धातु की दो समांतर
प्लेटे धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिन पर धन आवेश व धातु की दो समांतर प्लेटें हैं जिन पर धन आवेश व ऋण आवेश है। प्लेटों के बीच की दूरी डी है तो तथा प्लेटों के विभव क्रमशः V1 व V2 है अर्थात प्लेटों के बीच विभवांतर V है तो प्लेटों के बीच तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ये प्लेट है धातु की जिसका प्रेस आवेश है। ये प्लेट है धातु की जिसका माइनस आवेश है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से किधर होती है माइनस की ओर होती है आप जानते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है। धातु की दो प्लेट हैं समांतर प्लेट हैं एक पर धन आवेश एक पर ऋण आवेश है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है इसका विभव V1 इसका विभव V2 तो विभवांतर तो प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर हम क्या निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों में भी आपने विभव प्रवणता का फॉर्मूला देखा E = -dV/dr ये विभव क्या हो रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव क्या होता है कम होता जाता है इस बात को इंडिकेट कर रहा है आपका माइनस। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है V1 या V/dr। प्लेटों के बीच विभवांतर क्या है या E = V1 - V2/dr। इसका मात्रक क्या हुआ वोल्ट प्रति मीटर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर प्लेटों के बीच किसी प्लेट है प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी प्लेट दोनों प्लेटों का विभवांतर कितना है विभवों का अंतर V और प्लेटों के बीच कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = V/dr। याद रखना ये प्लेटों के बीच की दूरी d है प्लेटों के दोनों सिरों के बीच विभवांतर V है और प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E = V/dr। V का मतलब विभवांतर या V1 - V2 और इसका मात्रक क्या है वोल्ट प्रति मीटर। ये क्या है वोल्ट प्रति मीटर। तो ये आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये नोट कर ली बात होगा। हमने आपको अगला टॉपिक बताता हूँ विद्युत क्षेत्र। आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली पिछले चैप्टर के अंदर अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या निकाल रहे हैं विद्युत विभव। इस चैप्टर में हमारा चैप्टर का हेडिंग ही टॉपिक का नाम पूरे चैप्टर का हेडिंग
तो जितने भी टॉपिक हैं सब इससे रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर एक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। विद्युत विभव, विद्युत विभव कहाँ होता है? विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र को हम कितने प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं? एक बिंदु आवेश है, आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में हम किसी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या किसी बिंदु पर क्या निकाल सकते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत आवेश है, आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी बिंदु पर, या निकाल सकते हैं विद्युत विभव। इस चैप्टर में हमें सभी बिंदुओं पर क्या निकालना है? विद्युत विभव। अंतर क्या है? विद्युत विभव अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। तो अब हम पिछले चैप्टर में हमने निकाला था आवेश गोली कोशिका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब आवेश गोली कोशिका विद्युत विभव। सारी चीजें पिछले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, अब हम निकालेंगे विद्युत विभव। तो इस प्रकार से देखो हमारे आवेशित गोलीय आवेशित गोलीय कोशिका के कारण आवेशित गोलीय कोशिका के कारण विद्युत विभव। आप इस क्षेत्र में आवेश गोली कोश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं, क्यों? चैप्टर का नाम है विद्युत विभव। पिछले चैप्टर में से पिछले चैप्टर में क्या निकाला था? आवेश गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, या विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया? माना आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है जिसके पृष्ठ पर कोश हो, उसका आवेश कहाँ रहे?
बेस पर है। अगर हम लोग चालक ले लिया, चालक को आवेश करेंगे, आवेश कहाँ रहेगा, चालक के पृष्ठ पर। अगर अचालक है तो आवेश चालक के संपूर्ण काल में रहता है, ये अचालक है। चालक में आवेश कहाँ रहता है, पृष्ठ पर, और गोलीय कोश में कहाँ रहता है, पृष्ठ पर। तो हम आपने देखा अर्ध जाला, अब ये क्या है, आवेश गोलीय कोश है, कितनी त्रिज्या का है, अर्ध त्रिज्या का। हमें क्या निकालना है, विद्युत कहाँ पर निकालना है, बाहरी बिंदु पर। आपने बाहर बिंदु ले लिया और ये बिंदु P है, O से बिंदु O से मानो इसकी P की दूरी कितनी है, R। R दूरी पर बिंदु P है और इस पर आपको क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना। अर्थात आपको मालूम है कि आर जो है इस आर से कैसा ज्यादा है, आर ग्रेटर देन तो हमारा मूल उद्देश्य आवेश गोली को उसके बाहर एक बिंदु है इस पर हमें विभव ज्ञात करना है, तो आर दूरी का मान त्रिज्या से कैसा ज्यादा है। तो हम जानते हैं विनोद है, आपने पढ़ा है विनोद है आवेश गोली कोश के बाहर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विनोद है बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू 1/4πε0 आप जानती किसी बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आप प्राप्त कर चुके हैं, आपको तीव्रता यहाँ पता है, निकालना क्या है विद्युत विभव। आपको विद्युत विभव और तीव्रता का एक समांतर फॉर्मूला बताया V=-EVR और कहाँ से आ रहा है विद्युत विभव, इनफाइनाइट से कितनी दूरी है ये r। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का एक इंटीग्रेशन का रिलेशन है, आपको E मालूम है, रख देंगे क्या प्राप्त हो जाएगा विद्युत विभव। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का एक समाकलन का फॉर्मूला है, सभी विद्यार्थी जानते हैं, आपको बता चुके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव का समाकलन का इनफाइनाइट। तो आपको यहाँ पर ही मालूम है, पढ़ चुके हैं, अब हमें यहाँ V निकालना है, तो V निकालना ही पता है, V और इंटीग्रेशन दोनों का ये फॉर्मूला आपको मालूम है, अब हम निकाल दिया। अब हम निकालते हैं कहाँ निकाल रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट। तो आपको ये मालूम है, पहले हम एक्सटर्नल पॉइंट पर विद्युत विभव ज्ञात कर रहे हैं, किसकी, एक्सटर्नल पॉइंट पर आवेशित गोलीय कोश के, गोलीय कोश है वह आवेशित है और कहां निकाल रहे हैं, आवेशित गोलीय कोश के एक्सटर्नल पॉइंट पर बाहरी बिंदु पर हम कोश के बाहर बिंदु पर निकाल रहे हैं विद्युत विभव। तो आपने ये देखा, इसलिए बिंदु P का विद्युत विभव V=-EVR इनफाइनाइट से कितनी डिस्टेंस है r, E की वैल्यू आपको मालूम है इनफाइनाइट r 1/4πε0 q/r² dr की वैल्यू रखती। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं ये कांस्टेंट को हम समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, q/4πε0 को हमने बाहर निकाल लिया, क्या बचा, इसके इसको बाहर निकालेंगे इंटीग्रेशन में, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन r 1/r² dr।
equal to minus q upon 4 pi epsilon naught infinite r. हम लिख सकते हैं करके x square x की पावर माइनस टू, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगी घात r माइनस टू डी आर। एक फॉर्मूला है आपको मालूम होगा, इसके आगे बता देता हूँ। इंटीग्रेशन फॉर्मूला है n x r प्लस वन अपॉन n प्लस वन, x की पावर n है तो n प्लस वन अगे n प्लस वन, ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन। r माइनस टू डी, इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको निकालेंगे तो v इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बन जाएगा क्या होगा, ये इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं डी आर एच एक्स के स्थान पर आर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन बटे माइनस वन, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन आर माइनस। तो इसका इंटीग्रेशन लेंगे माइनस वन अपॉन आर, और इन फॉर्मूला से कहाँ तक है, हाँ बी इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया क्यू अपॉन फोर बाय एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर, माइनस माइनस का प्लस हो गया वन अपॉन आर से माइनस वन अपॉन आर के स्थान पर क्या है इनफाइनाइट, क्योंकि आप जानते हैं आपको मालूम वन अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है जीरो, तो आपको मालूम है वी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन अपॉन आर माइनस जीरो। आप इसको लिख सकते हैं वी इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर वोल्ट अपॉन आर वोल्ट, ये आपका फॉर्मूला प्राप्त हो गया। तो याद रखिए आवेशित चाल आवेशित गोलीय कोष के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है, V इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर वोल्ट, ये का मात्र वोल्ट होता है। तो ये फॉर्मूला ये आपको बताया, तो ये हमने प्राप्त किया आवेशित गोली कोष के, कहा प्राप्त किया बाहर के ऊपर। अब हम आवेशित गोली कोष के सरफेस पर निकालते हैं, फिर आवेशित गोली कोष के अंदर बिंदु पर निकालते हैं, इन बिंदुओं पर हम क्या निकाल रहे हैं, विद्युत विभव निकाल रहे हैं। तो हम क्षेत्र का नाम क्या, विद्युत विभव। तो हमें उस बिंदु पर क्या पता होना चाहिए, विद्युत। तो आपका ये फॉर्मूला था। अब देखिए ये अपनी काम था, ये अपनी था। अब हम बिंदु कहां लेते हैं, आवेशित गोली कोष की सरफेस पर, आवेश गोली कोष के आवेश गोली कोष के सरफेस पर। दूसरा बिंदु कहां लेते हैं, आवेशित आवेशित गोलीय कोष के आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर, आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर अर्थात
आपका मान आर की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आपको मालूम है आर त्रिज्या का हमारा आवेश कोई कोण है, कितनी रेडियस का है आर त्रिज्या का। और अब हमने बिंदु पी कहाँ ले लिया, इसके सरफेस पर ही ले लिया, पृष्ठ पर, और बिंदु पी की दूरी उसे कितनी दिया, तो ये आर त्रिज्या आर के क्या है, बराबर है। अब हमारा बिंदु पी कहाँ है, सरफेस पर, तो यहाँ भी हम निकालना है, तो आपको मालूम है क्योंकि बी बराबर क्या था, प्राप्त हुआ 1/4 वोल्ट प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ ये विद्युत विभव, आवेश लेकर उसके बाहर भी दूरी आता वहां पर विभव का मान नहीं प्राप्त, ये फॉर्मूला। अब मैंने विभव कहा निकाला, सरफेस पर, देखिए सरफेस पर आर किसके बराबर है, आर के, आर आर के बराबर है, तो स्मॉल आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर। ये सरफेस पर भी है, ये सरफेस पर विद्युत विभव का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आवेश गोलीय कोश की पृष्ठ पर विद्युत विभव स्मॉल आर की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल आर होता। तीसरा पॉइंट है, कहां निकाल रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर, अंदर के बिंदु पर, अर्थात आर का मान आर से कैसा है, कम है, एट एन इंटरनल पॉइंट। अब हम आंतरिक बिंदु पर क्या निकाल रहे हैं, आंतरिक बिंदु पर हमारा टारगेट वही है एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। अब हम आंतरिक बिंदु लेते हैं, आंतरिक बिंदु का मतलब है ये आवेश गोलीय कोश है, आप सब यहाँ देख रहे हैं ये आवेश गोलीय कोश है, कितनी त्रिज्या का है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का है आवेश गोलीय कोश। हमने इसके बाहर बिंदु पर विद्युत विभव बताया, इसके पृष्ठ पर विद्युत विभव बताया, अब हम इसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत विभव बताने जा रहे हैं। अंदर बिंदु पी है और उसे कितनी दूरी पर है, ये पी आर दूरी पर है, हमारा टारगेट इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है। तो देखिए आपको याद दिलाता हूँ, जब बिंदु बाहर था अनंत से आ, जब बिंदु यहाँ पर है सरफेस पर, अनंत से कहाँ तक, आर तक, कैपिटल आर। अब देखो अंदर है तो ये कितना है आर, और आर से बिंदु कहाँ है, आर, आर से आर तक, तो बिंदु इसके पास में है, ये आर है, जैसे हमने कहा ऐसे समझिए आप, दो तरीके हैं, जैसे ये बिंदु आवेश है, ये आर है, ये आर है, एक आर से किसी आवेश को यहाँ पर विभव कितना है दिया, इस साल कितना यहाँ पर विभव कितना है दिया, तो विभवांतर कितना हो गया, विभव का अंतर वी आर माइनस वी आर इक्वल टू माइनस वी डी आर, ये विभवांतर का फॉर्मूला है, और कहाँ से आर से कहाँ तक, ये विभवांतर कब लेंगे, जब दोनों बिंदु कहाँ पर है, पास पास में विभवांतर, अगर बिंदु कहाँ पर है बहुत दूर है तो अनंत से लेते, अनंत से आ, पास पास हो गए तो आर से आर, क्योंकि वह आप देख रहे हैं कि आर है और ये आर है, इसके पास में बिंदु, जैसे कि मान लो आर यहाँ, तो आर से आर विभवांतर हो गया, और एक बिंदु तो आर दूर यहाँ है, और वो कहाँ से है, अनंत से आर, बहुत दूर है, सरफेस पर है, अनंत से सरफेस, आर और अंदर आर है पास में, तो ये फॉर्मूला विभवांतर का फॉर्मूला, तो यहाँ विभवांतर का समाकलन रूप लगाएंगे आप, हमने विभवांतर का समाकलन रूप आपको बताया था, पहले हम जानते हैं
वी नो दैट आप उसको जानते हैं, आवेश आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, आवेश गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है याद है? जीरो। आवेश तो पढ़ चुके हैं, आवेश गोलीय कोश है, आवेश गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र E=0 यानी जीरो होता है। हमको ये मालूम है कहीं विद्युत विभव प्राप्त करने के लिए पहले हमें वहाँ का विद्युत क्षेत्र मालूम होना चाहिए, बाहरी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मालूम था, विद्युत विभव निकाला, प्रश्न पर निकाला, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता थी, तो विद्युत क्षेत्र अंदर जीरो है, तो अब हमें क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। तो हम विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? अब देखिए आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव आपने डायग्राम यहाँ देखा, V माइनस V कैपिटल R विभवांतर है, क्योंकि R आंतरिक पार्श्व विभवांतर, R का विभव R के पृष्ठ के विभव से कैसा जाना, ये विभवांतर का समाकलन सूत्र आपने पढ़ा है, विभवांतर का समाकलन ऐसे पढ़ा था, आपने याद दिलाता हूँ, ये विभवांतर का समाकलन रूप है, ये विभवांतर का समाकलन रूप है, बिंदु P का रखा हुआ इनफाइनाइट पर अनंत पर, अनंत पर विभव क्या होगा? जीरो। तो ये कहाँ पर बन जाएगा? अनंत से एक दिया, ये विभवांतर का था, ये विद्युत विभव का, अनंत से लेते विभव में अनंत से विभवांतर में बी से ए आर से आर, क्योंकि दोनों बिंदु पास में होते हैं, विभवांतर का समाकलन विभव का समाकलन, तो यहाँ पर हमें विभवांतर का समाकलन रूप लिया वी आर माइनस, तो वी आर माइनस वी आर इक्वल टू माइनस, आपको मालूम है ई का मान गोलीय कोश के अंदर कितना? जीरो। तो आपको पता चल गया ये पूरा क्या होगा? जीरो हो गया, तो आपका मान ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, तो वी आर माइनस वी आर इक्वल टू जीरो, तो वी आर अंदर के पृष्ठ पर आर बिंदु पर बिंदु पी पर वी आर इधर लेंगे, वी आर क्या है यहाँ सर्फेस पर पृष्ठ पर विभव, वी आर क्या है पृष्ठ पर विभव, तो आपने पृष्ठ पर विभव अभी देखा था, पृष्ठ पर विभव कितना था? 1/4πε0qε r, ये हो गया वो, तो आपने देखा अंदर किसी अंदर के बिंदु P पर कितनी दूरी थी, अंदर के बिंदु P पर विभव कितना होता है? जितना पृष्ठ पर होता है, पृष्ठ पर कितना था? 1/4πε0qε r, तो अंदर के विभव इतना ही होगा जितना पृष्ठ पर, तो आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव, आवेश गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव, आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव, आवेश गोलीय कोश के अंदर विद्युत विभव, आवेश गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत विभव के बराबर होता है, याद रखना, ऐसा नहीं है आवेश गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र तो शून्य होता है,
आवेश गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होती है, लेकिन आवेश गोली कोश के अंदर विद्युत विभव शून्य नहीं होता। आवेश गोली कोश के अंदर बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है? जितना आवेश गोली कोश के सरफेस पर होता है। आवेश गोली कोश के पृष्ठ पर ही विद्युत विभव होता है, यही अंदर होता है। अब मैं वी और आर के बीच एक ग्राफ बना देता, V व R के मध्य ग्राफ। V और R के मध्य ग्राफ बना देता हूं। आप ग्राफ को देखेंगे, जैसे ये आवेश गोलीय कोश है, कितनी रेडियस का है ये R? आवेश इसके कहां पर है? आवेश गोलीय कोश के सरफेस पर है। तो हमने आवेश गोलीय कोश के बाहर के बिंदु पर, उसके सरफेस के बिंदु पर, उसके अंदर किसी बिंदु पर तीन कंडीशन में क्या प्राप्त किया? विद्युत विभव, पृष्ठ पर विद्युत विभव, अंदर विद्युत विभव, विभव और दूरी के बीच में ग्राफ बनाता हूं। तो आप देखिए, इधर है R, R क्या है? दूरी है, और ये क्या है? विद्युत विभव। आपने अभी देखा था ये R, R यहाँ R की कैसा है? बराबर है। और यहाँ R का मान R से कैसा है? ज्यादा है। तो आपने ये देखा, तो आपने ये देखा कि आवेश गोली कोश के अंदर पृष्ठ पर, आवेश गोली कोश के अंदर आपने देखा विभव का मान, जैसे यहाँ पर कितना? 4 वोल्ट। फिर आप और दूरी बढ़े, कितना है? 4 वोल्ट। और दूरी बढ़े, 4 वोल्ट। और दूरी बढ़े, 4 वोल्ट। और दूरी बढ़े, 4 वोल्ट। सरफेस पर आ गए 4 वोल्ट। तो आपने देखा पृष्ठ तक दूरी चलने पर आर बराबर आर तक विद्युत विभव कैसा रहता है? तो अंदर जितना विद्युत विभव है उतना ही पृष्ठ पर है, तो वी का मान यहाँ विभव दूरी मिला दिया, ये कांस्टेंट। अब पृष्ठ तक विभव एक समान है, पृष्ठ के कागे अब पृष्ठ के कागे बाहर आ गए। तो बाहर आपने देखा दूरी के ऐसा है कि ये बाहर बिंदु पर विद्युत विभव था। तो अब बाहर निकाल के अब दूरी और आगे बढ़ते हैं, अब पृष्ठ से बाहर दूरी आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है? दूरी बढ़ते जाते हैं, विभव घटता जाता है, क्योंकि इसके लिए व्युत्क्रमानुपाती है। वी व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा ग्राफ ऐसा आता है। तो इस प्रकार से अंतर विभव जितना दूरी के साथ आप देख रहे, अंदर विभव कितना था? जितना था, दूरी बढ़ेंगे, दूरी बढ़ाएंगे, अंदर से लेकर के पृष्ठ तक विभव का मान समान रहेगा। जैसे ही पृष्ठ से बाहर दूरी बढ़ेगी तो विभव फिर क्या होगा? घटता जाता है। तो ऐसा ही ग्राफ आ गया। आपने ग्राफ को समझा, एक बार फिर समझो, ये आवेश गोली कोश है और ये विभव है, इधर क्या है? दूरी। आपने देखा केंद्र पर विभव जितना है, और दूरी बढ़े, और दूरी बढ़े, और दूरी बढ़े, तो विभव का मान, दूरी बढ़ेगी विभव का मान समान, और दूरी बढ़ेगी विभव